देखते रहिए डीपी के न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान को बड़ी सौगात देने वाले हैं। पीएम मोदी आज करीब सुबह 10 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित भारत विकसित राजस्थान कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान वो राजस्थान में लगभग 2275 करोड़ की लागत से 8 नई परियोजनाओं का शिलान्यास किया। आगरा फोर्ट बांदीकुई रेल लाइन दोहरीकरण कार्य का बांदीकुई स्टेशन पर शिलान्यास किया। खातीपुरा रेलवे स्टेशन पर सैटेलाइट स्टेशन के रूप में नई टर्मिनल सुविधा का लोकार्पण किया। खातीपुरा रेलवे स्टेशन पर रेल डिब्बों के रखरखाव के लिए कोच केयर कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास किया। बीकानेर रतनगढ़ सादुलपुर रेवाड़ी रेल मार्ग विद्युतीकरण का रेवाड़ी रेलवे स्टेशन पर लोकार्पण किया। पीएम मोदी 5000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया। वो 8 लेन दिल्ली मुंबई ग्रीनफील्ड अलाइनमेंट के 3 पैकेजों के तार्थ बोली झलाई रोड से मुई विलेज सेक्शन, हरदेवगंज गांव से मेज नदी सेक्शन और तकली से राजस्थान मध्य प्रदेश सीमा तक का सेक्शन का उद्घाटन किया। झलावाड़ से खबर। जा राज्य सरकार के निर्देश अनुसार आज सूर्य सप्तमी पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भागेर में सूर्य नमस्कार का दैनिक अभ्यास छात्र छात्राओं और ग्रामवासियों व अन्य उपस्थित समुदायों ने प्रारंभ किया। ये सूर्य नमस्कार का अभ्यास प्रतिदिन किया जाएगा। 15 दिन से क्षेत्र के विभिन्न स्कूलों में सूर्य नमस्कार का पूर्व अभ्यास राजकीय हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर भागेर के योग प्रशिक्षक द्वारा करवाया जा रहा था। सूर्य नमस्कार से होने वाले लाभ के बारे में जानकारी भी थी। झलावाड़ में राजस्थान गांव चलो अभियान के तहत 12 सांसद दुष्यंत सिंह ने दुर्गापुरा गांव में चौपाल में भाग लिया। वह गांव में घर घर जाकर आमजन से रूबरू हुए। साथ ही बालचंद जी शर्मा व जनसंघ समय के कार्यकर्ता मांगीलाल मीणा और जनसंघ समय के कार्यकर्ता नंदलाल चौकदार व बूथ अध्यक्ष पंडित राधेश्याम जी गांव गुरु आदि कार्यकर्ताओं के घर जाकर चाय पर चर्चा की। के रिश्ते एक दूसरे के खून के प्यासे बन गए। खेत से ट्रैक्टर निकालने और समर के पानी को लेकर हुए विवाद में सगे भाइयों में झगड़ा हो गया, जिसके दौरान बड़े भाई ने अपने सगे भाई और भतीजे को गोली मार दी, जिसमें भतीजे की गोली लगने के बाद मौत हो गई। गोलीबारी की आवाज सुन ग्रामीण घटनास्थल की ओर दौड़ने लगे। लोगों को खेत की ओर आते देखकर हमलावर भाई वीरेश पुत्र राजकुमार सिंह असला मौके से फरार हो गए। ग्रामीणों ने पहुंचकर घायल अवस्था में पड़े अवधेश व राघवेंद्र को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय पहुंचाया, जहां करमवीर ने राघवेंद्र को मृत घोषित कर दिया।